तो जो सभी साथी है इस स्टडी रूम परिवार में, आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम और सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस नए सेशन में। और आज के इस नए सेशन में आज हम बहुत ही शानदार तरीके से एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें काफ़ी कुछ चीज़ें आपको बताएंगे और हर पर्सन को यहाँ पर एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। एक मॉडल पेपर के रूप में आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ और इसमें 50% हम यहाँ पर करने वाले हैं और हर पर्सन यहाँ पर एक यूनिक होगा और अच्छा होगा, ये उम्मीद करता हूँ। शानदार पेपर यहाँ पर सोल्यूशन यहाँ पर मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है? तो बने रहिए हमारे साथ में। अगर आप नए हैं तो स्टडी एट होम में जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमारा ऑनलाइन बीच ज्वाइन करके पढ़ना चाहते हैं तो हमारा ऑनलाइन बीच भी आप ले सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए चार चांद लगाने वाला शानदार कंटेंट आपको यहाँ पर ऐप के ऊपर, आपको ई बुक के रूप में MCQs है, टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस जो ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो सारे हैं, ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम रिव्यू बुक है, मोटर वाहन अधिनियम को लेकर बुक है, या आपके ड्राइवर थ्योरी है, टेक्निकल थ्योरी है, टेक्निकल MCQ है, हर प्रकार के नोट्स आपको यहाँ पर कोर्स के साथ में प्रोवाइड हो जाएंगे, तो आप ले सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला पर्सन हमारे सामने आ चुका है और यहाँ पर पहला पर्सन है, विशेष प्रकार के स्टेयरिंग होते हैं। अब स्टेयरिंग जो होते हैं विशेष प्रकार के कौन से होते हैं, जो मतलब कि जिनमें एक्स्ट्रा कुछ लगा दिया जाता है, जिसमें यानी कि अतिरिक्त पावर या एक्स्ट्रा पावर जोड़ दी जाती है, उन स्टेयरिंग को पावर स्टेयरिंग या आप विशेष प्रकार की स्टेयरिंग कहते हैं, जिनमें पावर के रूप में कुछ अतिरिक्त कुछ ऐड कर दिया जाता है नॉर्मल स्टेयरिंग में, तो वो एक प्रकार से विशेष स्टेयरिंग बन जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पावर स्टेयरिंग को ही यहाँ पर विशेष स्टेयरिंग कहते हैं। तो पावर स्टेयरिंग के प्रकार हाइड्रोलिक हो सकता है, कंप्रेस्ड एयर हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है, तो उपरोक्त सभी इसका जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या दो है, लुब्रिकेशन ऑयल को किस प्रकार से ठंडा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑयल कूलर से। सिंपल है, लुब्रिकेशन यानी कि इंजन ऑयल, जो कि आपको पता है 15W 40, 20W 40 या 30W 40, तीनों में से एक डाला जाता है। मोस्टली जो छोटी गाड़ियां होती है LMB, इनमें लगभग 7 लीटर में ही आता है। चेंज करने का पूछे तो यहां पर 10,000 किमी, 10,000 10K किमी पर आपको इसको बदलना होता है। प्रश्न संख्या तीन है, किसी 4 स्ट्रोक वाले इंजन में चारों स्ट्रोक्स का क्रम क्या होता है। आप सभी को पता है सबसे पहले सक्शन होता है, फिर कंप्रेशन होता है, फिर पावर होती है, फिर एग्जास्ट होता है। तो सही आंसर हो जाएगा इनटेक, कंप्रेशन, पावर, एग्जास्ट। इनटेक को ही सक्शन स्ट्रोक कहा जाता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या चार, पूर्ण स्वचालित शक्ति संचालन, पूर्ण स्वचालित यानी अपने आप चलने वाला, में प्राय किस प्रकार का गियरबॉक्स इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ऑटोमेटेड जो गियरबॉक्स होता है, ऑटोमेटेड जो गियरबॉक्स होता है ना, तो इसमें किस प्रकार का गियरबॉक्स प्रयोग में लिया जाता है। तो आप सभी को बताना चाहूँगा ऑटोमेटेड गियरबॉक्स में क्या होता है, एक रिंग गियर होता है, एक सन गियर होता है, इसके चारों ओर यहाँ पे प्लेनेटरी गियरबॉक्स होते हैं, इन सभी में आपके गियर के दांते होते हैं, ठीक है? तो इस टाइप की उसकी संरचना होती है। बीच वाला सन गियर कहलाता है, ये सबसे बाहर वाला रिंग गियर कहलाता है, और ये जो तीन है बाहर, ये प्लेनेट यानी कि प्लेनेटरी गियर कहलाते हैं। तो इस पूरे सेट को प्लेनेटरी गियरबॉक्स यहाँ पे कहा जाता है। ये इसका जो कार्य करने का सिद्धांत है, एपिसाइक्लिक भी इसको कहा जाता है। और आप सभी को पता होगा कि ये जो गियरबॉक्स होता है, ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम वाली गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है, और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम को ही यहाँ पे पूर्ण स्वचालित शक्ति संचालन के नाम से जाना जाता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं। तो प्रश्न संख्या हमारा पाँच है, फ्रंट एक्सल के साथ मोटर यान के जोड़े जाते हैं। फ्रंट एक्सल जो होती है, तो आप सभी को पता होगा फ्रंट एक्सल में अगले पहिए जोड़े जाते हैं। प्रश्न संख्या छः आपके सामने है, निम्न में से कौन सा इंजन का भाग है, इंजन का भाग सिलेंडर है, पिस्टन है, फ्लाईव्हील है, सभी है, तो ये उपरोक्त सभी, ये सभी जो है इंजन के भाग होते हैं, ठीक है? तो अगले प्रश्न पर चलते हैं, डीजल इंजन के शाफ्ट का चक्कर नापते हैं। जो डीजल इंजन में डीजल इंजन में शाफ्ट जो होती है, इसको क्रैंक शाफ्ट बोला जाता है, और इस क्रैंक शाफ्ट को ही इंजन शाफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इसको जो ये घूमने की गति होती है ना, इसको यहाँ पर टेकोमीटर से आप इसकी गणना करते हैं। टेकोमीटर का दूसरा हिंदी नाम होता है घूर्ण चाल मापी, इसको टेकोमीटर के नाम से भी जानते हैं, टेकोमीटर, ठीक है? तो याद रखना है। तो ये क्या करता है, आरपीएम के अंदर राउंड रिवोल्यूशन पर मिनट यानी कितने चक्कर ये एक जो है मतलब मिनट में काटती है, उसकी गणना ये करता है, उसे इंजन का आरपीएम कहा जाता है, और इसका अंग्रेजी नाम टेकोमीटर होता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या आठ है, हाइड्रोलिक सिस्टम निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। ये पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। कौन सा, पास्कल का सिद्धांत, सिद्धांत पूछिए तो पास्कल का सिद्धांत है, और साथ ही द्रव्य का एक समान दबाव, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पास्कल का नियम क्या कहता है कि द्रव्य को अगर आप दबाते हैं तो वो सभी जगह पर समान दबाव डालेगा,
ठीक है, जैसे ब्रेक सिस्टम होता है, तो ये पास्कल के नियम पर काम करते हैं। आप केबिन में बैठे ब्रेक दबाएंगे तो आगे और पिछले टायरों पर जो ब्रेक लाइन, ब्रेक फ्लूइड लाइन जा रही है, तो उसका प्रेशर या दबाव है वो सभी पहियों पर समान रूप से जाएगा। तो ये पास्कल का नियम होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा है भाई, वाहन को स्टार्ट करने के लिए उच्च टॉर्क की आवश्यकता होती है। आप सभी को पता है टॉर्क और स्पीड में क्या फर्क होता है। टॉर्क में क्या है, पावर ज़्यादा होती है, स्पीड में केवल स्पीड होती है, टॉर्क कम होता है। जब आप इंजन को शुरू करते हैं किसी जगह से, तो शुरू करते समय आपको टॉर्क की आवश्यकता होती है, न कि स्पीड की। तो उच्च गति के लिए उच्च टॉर्क, ये गलत हो जाएगा। गियरबॉक्स वाहन को निर्बाध गति से चलने में मदद नहीं करता है। गियरबॉक्स क्या है, जो इंजन है वो मतलब कि उसको निर्बाध रूप से चलने में मदद करता है, ठीक है, उसकी मदद करता है। गियरबॉक्स है वो मदद ही करता है, बाधा नहीं पहुंचाता। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, वाहन को स्टार्ट करने के लिए या शुरू करने के लिए उच्च टॉर्क की आवश्यकता यहाँ पर होती है। प्रश्न 10 है, इंजन शाफ्ट को गियरबॉक्स से जोड़ने के लिए इनमें से किस मशीन मेंबर का इस्तेमाल किया जाता है? सभी को पता है ये इंजन है और ये गियरबॉक्स है, बीच में क्या होगा, या फिर फ्लाईव्हील होगा, फ्लाईव्हील के ऊपर क्लच होगी, तो यही बात हो रही है, क्लच असेंबली होगी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लच असेंबली का काम होता है इंजन को गियरबॉक्स के साथ जोड़ने का काम और तोड़ने का काम, यह ट्रांसमिशन सिस्टम को अलग करने का काम करता है। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन सा कपलिंग का प्रकार है? कपलिंग जो होती है वाहनों में, कपलिंग जो इस्तेमाल की जाती है उसका प्रकार पूछा गया है, फ्लेंज कपलिंग, पुली कपलिंग, स्पार्क कपलिंग, मेन कपलिंग। कपलिंग का मतलब है कपल, कपल यानी जोड़ा, कि दो चीज़ों को जोड़ने के लिए काम आता है। तो फ्लेंज कपलिंग गाड़ियों में काम आती है, ठीक है, जो ऑटोमोबाइल्स हैं इसमें फ्लेंज कपलिंग काम आती है। प्रश्न संख्या 12, उत्सर्जन मापदंडों के संदर्भ में BS निम्न में से किसका संक्षिप्त रूप है? तो BS का पूरा नाम भारत स्टेज होता है, ठीक है, और ये BS जो है इसका संबंध प्रदूषण से संबंधित है। इसकी भारत में शुरुआत जो है 2000 में यहाँ पर होती है, ठीक है, 2000 में होती है, यूरो की तर्ज पर इसकी शुरुआत यहाँ पर होती है, ठीक है। और ये अभी वर्तमान में आप सभी को BS6 यहाँ पे वर्तमान में चल रहा है, BS6 में आप करूँ, गला लिख दिया मैंने, BS6 वर्तमान में चल रहा है। BS5 कभी भी लाया नहीं गया, 4 है वो 2017 में यहाँ पर लागू हुआ था, BS6 2020 में लागू हुआ था, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, यातायात संकेत के अंतर्गत शामिल है, यातायात संकेत के अंतर्गत चेतावनी संकेत स्तंभ, दिशा सूचक स्तंभ, सड़कों पर चिन्हांकन, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यातायात संकेतों में ये सभी के सभी शामिल होते हैं। प्रश्न संख्या 14, असंतुलित व्हील को सुधारने का सही तरीका क्या है? यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर एक जो पहिया होता है इसके अंदर रिम होती है, रिम का, ये रिम का बाहरी कड़ा होता है, यहाँ पर कहीं कहीं जगह क्या है, छोटा सा एक लोहे का सा कुछ यहाँ पर जोड़ा जाता है, ये क्या होता है, एक वेट कहा जाता है, WEIGST, वेट, वेट यानी होता है भार, और ये किसके लिए होता है, संतुलन के लिए होता है, यानी कि जब कोई पहिया असंतुलित होता है ना, तो उसको संतुलन में लाने के लिए भार जोड़ा जाता है, और ये व्हील अलाइनमेंटिंग के समय किया जाता है। तो इसका प्रश्न का जवाब हो जाएगा कि असंतुलित व्हील को सुधारने का तरीका, उचित पोजीशन पर व्हील रिम के साथ उचित भार संलग्न करना, रिम के साथ में क्या है, भार संलग्न कर देते हैं, छोटा लोहे का टुकड़ा सा पट्टी से लगा देते हैं। प्रश्न संख्या 15, एक अधिक फुले हुए टायर का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा घिसेगा? अधिक फुला हुआ है, हवा अगर अधिक है, अधिक है तो केंद्र से घिसेगा, कम है, कम है तो किनारे घिसेंगे, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या यहाँ पर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक अधिक फुले हुए टायर का जो है केंद्र के नज़दीक का भाग ज़्यादा घिसेगा। प्रश्न 16 है, साइन बोर्ड पर डाइवर्जन अहेड 1 किलोमीटर लिखे होने का क्या आशय है? डाइवर्जन अहेड 1 किलोमीटर का मतलब है 1 किलोमीटर पश्चात परिवर्तित रास्ता है, डाइवर्जन जो है मार्ग है, रूट है। प्रश्न संख्या 17 है, साइन बोर्ड पर क्रॉस रोड लिखे होने का क्या आशय है? क्रॉस रोड लिखा हुआ तो मतलब कि वाहन को धीरे करना है और सावधानी से आगे जाना है, क्योंकि आगे क्या है, चौराया है। क्रॉस रोड का मतलब क्या है, चौराया है, और चौराहे पर आपको गाड़ी को धीमे करना है, सावधानी से आगे बढ़ना है। 18 नंबर प्रश्न, साइन बोर्ड पर डू नॉट एंटर व्हेन फ्लडेड, डू नॉट एंटर यानी आपको प्रवेश नहीं करना है, कौन सी पोजिशन में, फ्लडेड यानी कि जब बाढ़ हो तो प्रवेश न करें, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 19 है, राइडिंग ऑन क्लच से क्या आशय है? राइडिंग ऑन क्लच, राइड यानी होता है सवारी करना, क्लच के ऊपर पैर रख के आप सवारी करते हैं, तो मतलब कि आप क्लच को ज़्यादा दबाकर प्रयोग कर रहे हैं। तो आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ड्राइवर की क्लच पेडल पर पैर रखकर वाहन चलाने की आदत जो होती है, ड्राइवर की क्लच पेडल पर पैर रखकर वाहन चलाने की जो आदत है वो राइडिंग ऑन क्लच यहाँ पे कहलाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, इंजन के संदर्भ में MPFI का विहित शब्द रूप क्या है? MPFI का पूरा नाम आपको बताना है, आप सभी को पता होगा इसका नाम होता है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, एक होता है CRDI,
सीआरडीवी पूरा नाम होता है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। निर्देशात्मक संकेत ट्रकों का प्रवेश प्रतिबंधित का सामान्य आकार व लघु आकार क्रमशः होता है, एक होता है सामान्य आकार, एक होता है लघु या छोटा आकार। तो यहाँ पर सभी को पता होगा, यहाँ पर सामान्य आकार 60 सेंटीमीटर का होता है, लघु आकार 40 सेंटीमीटर का होता है, बिग जो आकार होता है वो 90 सेंटीमीटर का यहाँ पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा पूछा है, सामान्य और अब छोटे का, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। एमएम में पूछे तो यहाँ पर 900 mm और 600 mm और 400 mm। ठीक है, एमएम में पूछे तो आपको पता है कि एक सेंटीमीटर में यहाँ पर कितना एमएम होता है, 10 mm होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक व्यक्ति से अभिप्रेत है, नेक व्यक्ति का क्या मतलब होता है, एक नेक व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जो किसी व्यक्ति की सहायता करता है, और इसका उल्लेख मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134A में किया गया है, 134A में किया गया है, और ये 2019 में पहली बार जोड़ा गया है अभी। ठीक है, गुड सिमिलिटन इसको कहा जाता है अंग्रेजी में, या अच्छा सामरी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वह व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल तक पहुँचाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, पार्क करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पार्क करते समय आपको सबसे पहला मेन जो गियर में रखना गलत है, पार्किंग लाइट चालू रखना गलत है, वाहन को हैंड ब्रेक लगा कर रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मोटरयान चलाते समय हॉर्न के प्रयोग का प्रतिषेध करने वाले यातायात चिन्ह वाले क्षेत्र में हॉर्न बजाने का प्रथम अपराध, अगर आपको वहाँ पर हॉर्न बजाना निषेध किया गया है, हॉर्न बजाना प्रतिबंधित है, फिर भी आप हॉर्न बजाते हैं, और अगर ट्रैफिक पुलिस आपको देख लेती है तो आपके ऊपर जुर्माने का प्रावधान है, जो कि यहाँ पर प्रथम अपराध कितना है, 1000 रुपये का जुर्माना होता है। हॉर्न से संबंधित जो धारा है 194F है। ठीक है, 194F धारा आपके ऊपर लागू होती है। प्रश्न संख्या 25 है, बीमा न किए गए मोटर यान को चलाने पर चालक को क्या होता है। आप सभी को पता होगा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 146-147 बीमा के बारे में उल्लेख करती है कि बीमा होना चाहिए, बीमा नहीं है तो धारा 196 लागू होती है, और यहाँ पर पहली बार में 2000 का जुर्माना, दूसरी बार में 4000 का जुर्माना लागू होता है, साथ ही 3 माह की कैद का भी प्रावधान किया गया है। दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रथम अपराध के लिए 3 माह तक का कारावास या 2000 रुपये तक 2000 रुपये के जुर्माने से अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है, या तो केवल 3 माह का कारावास या केवल 2000 रुपये या दोनों भी हो सकते हैं, दादागिरी करेंगे तो दोनों होंगे। प्रश्न संख्या 26, सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग का निशान क्या दर्शाता है। जेब्रा क्रॉसिंग ऐसी होती है भाई, ठीक है, ऐसी जो है व्हाइट कलर में बनी होती है जेब्रा क्रॉसिंग, तो ये पैदल यात्रियों को सड़क को पार करने के लिए बनी होती है, यानी कि पैदल यात्री के सड़क पार करने का रास्ता ये होता है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 27 होती है, यदि आपको अपनी कार को गोल चक्कर पार करके सीधे लेकर जाना है तो क्या इशारा करेंगे। आप सभी को पता है गोल चक्कर जो होता है, गोल चक्कर में जब गाड़ी एंटर आपकी करती है, आप देखो ऐसा गोल चक्कर होता है और इस टाइप से गोल चक्कर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप एंटर करेंगे दोबारा से बना देता हूँ भाई मैं थोड़ा सा, है ना, तो एक ये, ठीक है, और ये इस टाइप से ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर आप एंटर करते हैं तो आपके पास में कोई दूसरा मार्ग नहीं है, तो एंटर करते समय आपको कोई भी साइन आपको नहीं देना है, लेकिन जब आप एंटर कर जाएंगे, अब आपके पास में एक तो गोल गोल घूमना और एक बाहर निकलना, दो रास्ते हैं, तो अब आपको अगर रास्ता छोड़ना है, बाहर निकलना है, तो आपको लेफ्ट इंडिकेटर देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चला 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 यहाँ चला, अब मुझे बाहर निकलना है, तो मुझे बाहर निकलने के लिए लेफ्ट इंडिकेटर देना पड़ेगा, लेकिन एंटर करते समय क्योंकि आपके पास में एक ही मार्ग है, वहीं तो जाना है आपको, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं देना है। तो यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर गोल चक्कर में घुसते समय कुछ भी नहीं, बाहर निकलते समय बाएं यानी कि लेफ्ट इंडिकेटर आपको देना होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया कमेंट सेक्शन में बताओ। देखें BS सेकंड और BS थर्ड इंजन में मुख्य विभेद यानी कि अंतर क्या है। ठीक है, BS सेकंड इंजन में कैटली कन्वर्टर होता है जबकि BS थर्ड इंजन में नहीं होता, गलत कथन है भी, ये उल्टा हो गया है, क्योंकि थर्ड बाद में आया है, BS सेकंड है पहले आ गया है, तो सेकंड में अगर है तो थर्ड में तो होगा ही होगा, है ना, तो ये बात है। BS थर्ड इंजन में कैटली कन्वर्टर होता है जबकि BS सेकंड में इंजन में नहीं होता है, ये कथन सही है। BS सेकंड और थर्ड इंजन में कोई विभेद नहीं है, विभेद नहीं है तो फिर लाया क्यों गया, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो गए नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेन अंतर है BS जो थर्ड है इसमें कैटली कन्वर्टर अनिवार्य कर दिया गया था और BS सेकंड में नहीं था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिट एंड रन दुर्घटना से अभिप्रेत है, अभिप्रेत का मतलब है मतलब होता है, आपको पता है हिट एंड रन यानी कि मारो और भाग जाओ, आप किसी व्यक्ति को दुर्घटना में मतलब कि चोट पहुंचा देते हैं, घायल कर देते हैं और मार कर भाग जाते हैं, तो उसे हिट एंड रन कहा जाता है। इसका उल्लेख मोटर वाहन अधिनियम की धारा 161 में यहाँ पर किया गया है। ठीक है, और इसमें यहाँ पर घायल होने पर
घायल होने पर 50,000 का जुर्माना यहाँ पर सॉरी जो है क्लेम दिया जाता है, और मृत्यु होने पर, मृत्यु जब होती है तो यहाँ पर 2,00,000 का क्लेम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाया जाता है गवर्नमेंट की ओर से, हिट एंड रन की ओर से, ठीक है, हिट एंड रन मामलों में। लेकिन ध्यान रहे, हिट एंड रन मामलों में दुर्घटना करने वाले जो वाहन है और चालक है उसका पता नहीं चल पाता है, नहीं चल पाता है, तभी वो हिट एंड रन मामला कहलाता है। यानी कि कह सकते हैं कि प्रयास के बावजूद भी अगर आप उस व्हीकल का पता न लगा सकें जिसने दुर्घटना करी है, तो वो एक दुर्घटना हिट एंड रन कहलाती है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, दुर्घटना के पश्चात दुर्घटनाकारित यानी करने वाला वाहन की पहचान युक्ति युक्त यानी पूरे प्रयास के बावजूद भी अभी निश्चित नहीं की जा सकती, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है, इंजन के निर्गुण तंत्र यानी कि एग्जॉस्ट सिस्टम में आवाज कम करने के लिए लगाए जाने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? सभी को पता है मफलर इसको कहा जाता है, मफलर आवाज को कम करने का काम यहाँ पे करता है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 31 है, व्हील रिम, व्हील रिम से भार जोड़ा जाता है, व्हील रिम के साथ में भार क्यों जोड़ा जाता है? तो आप सभी को पता है, अभी एक प्रश्न पीछे भी आया था, व्हील रिम के साथ में भार जोड़ा जाता है यहाँ पे जो लोहे का, तो ये जोड़ा जाता है व्हील को बैलेंस करने के लिए उचित पोजीशन पर सही भार, उचित भार संलग्न करके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खतरनाक तरीके से मोटरयान चलाना से अभिप्रेत है, खतरनाक तरीके से यहाँ गाड़ी चलाते हैं तो इसका क्या मतलब है? लाल बत्ती को पार करना, स्टॉप चिन्ह का उल्लंघन करना, यातायात के प्राधिकृत प्रवाह के विरुद्ध यानी कि गलत दिशा में आपको दिशा में गाड़ी चलाना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी चालन करते हैं तो धारा 184 के तहत ये एक अपराध होता है, और धारा 184 के तहत आप एक खतरनाक ड्राइविंग के तहत जुर्माने का प्रावधान है, 1,000 से लेकर 5,000 तक का जुर्माना यहाँ पर देय होता है। प्रश्न संख्या 33, मोटरयान को चलाते समय किसी व्यक्ति को मादक द्रव्यों यानी कि शराब आदि जो नशीले पदार्थ हैं असर में होना पाया जाएगा, जबकि क्या होगा? जबकि मतलब कि अगर वह मादक द्रव्य के असर में इस सीमा तक है कि वह मोटरयान पर समुचित नियंत्रण रखने में असमर्थ है, वो गाड़ी को कंट्रोल करने में समर्थ नहीं है, तो उस कंडीशन में उसको मतलब कि शराबी या मादक द्रव्य में से सेवन किया हुआ माना जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही दोस्तों इसमें एक प्रश्न और आता है कि शराब पीकर आप गाड़ी चलाते हैं तो शराब की कितनी मात्रा होती है? जैसा कि ऑप्शन सी में दिया गया है, प्रति 100 ml रक्त में 20 mg अल्कोहल, तो यहाँ पर 100 ml जो रक्त होता है 100 ml में यहाँ पे 30 mg अल्कोहल होता है ना, तो ये इसकी एक लिमिट है, ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 34 आपके सामने है, बिना फुटपाथ की सड़क पर पैदल यात्रियों को सड़क के किस तरफ चलना चाहिए? ये बिना फुटपाथ वाला सवाल हर पेपर में आता है, बच्चे हर पेपर में इसको गलत कर देते हैं, बिना फुटपाथ है यानी फुटपाथ नहीं है, नहीं है तो उल्टी साइड में चलना है, दाहिनी साइड में आपको चलना है, राइट साइड में, ये आप फिर भी से एक बार दोबारा से बताना चाहूँगा, देख लेना, हो सकता है आपके एग्जाम में भी ये प्रश्न छप जाए। प्रश्न संख्या 35 है, कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है, 18 वर्ष से कम आयु का नहीं मतलब 18 से ज़्यादा है, परंतु 20 वर्ष से कम आयु का है, 20 पूरी नहीं हुई है, 18 से ज़्यादा और 20 से कम है, के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? वह किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटरयान चला सकता है परंतु परिवहन यान नहीं चला सकता, मतलब कोई मोटरयान तो चला सकता है लेकिन परिवहन यान नहीं, बिल्कुल सही कथन है। वह किसी सार्वजनिक स्थान में सभी प्रकार के मोटरयान, सभी प्रकार के नहीं, कॉमर्शियल नहीं चला सकता है ना, क्योंकि 20 साल उम्र नहीं हुई है। वह किसी सार्वजनिक स्थान में 50 cc से अन अधिक इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिल ही चला सकता है, मतलब ही चला सकता है, मतलब केवल ये चला सकता, तो ये भी गलत है। वह किसी सार्वजनिक स्थान में किसी भी प्रकार का मोटरयान नहीं चला सकता, सार्वजनिक किसी भी प्रकार का, तो ये भी गलत हो जाएगा, वो चला तो सकता है लेकिन केवल हल्के मोटरयान चला सकता है, या मोटर कार चला सकता है, या प्राइवेट व्हीकल चला सकता है, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, अनुज्ञापन प्राधिकारी कंडक्टर अनुज्ञप्ति देने से इनकार नहीं कर सकेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी का मतलब है जो आपको लाइसेंस देता है, अनुज्ञप्ति यानी लाइसेंस होता है भाई, ठीक है, अनुज्ञप्ति का मतलब होता है लाइसेंस, मतलब कि अनुज्ञापत्र। तो आपको अनुज्ञापन प्राधिकारी कंडक्टर अनुज्ञप्ति देने से कब इनकार नहीं कर सकता? जब आपके कागज पूरे हों, आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, पूरी है, तो आपको मना नहीं कर सकता, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा है भाई, ठीक है, मोटरयान अधिनियम 1988 के सभी उपबंध ई गाड़ी और ई रिक्शा को लागू होते हैं। मोटरयान अधिनियम 1988 के सभी उपबंध ई गाड़ी और ई रिक्शा को लागू नहीं होते हैं। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 7(1) के परंतु के अतिरिक्त शेष सभी उपबंध ई गाड़ी और ई रिक्शा पर लागू होते हैं। या चौथा है डी, यानी मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 7(1) के परंतु तथा धारा 9 की 10
के अतिरिक्त शेष सभी उपबंध ई गाड़ी और ई रिक्शा को लागू होते हैं। बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर यह बात आई है कि धारा 7 और एक धारा 9 जो है, इसमें यह कहा गया है कि धारा 7 और 9 में जो चीज़ें लिखी गई है उनका उल्लंघन होते हुए भी एक जो ई रिक्शा है इनके लिए लाइसेंस है वो जारी किया जा सकता है। 7 में तो ये लिखा गया है कि आपके पास में जैसे कि LMB लाइसेंस है, 7 में क्या लिखा गया है कि आपके पास में LMB लाइसेंस अगर 1 साल पुराना नहीं है तो आपको यहाँ पर कॉमर्शियल व्हीकल के लिए लाइसेंस नहीं दी जाएगा, लेकिन ये ई रिक्शा के लिए दिया जा सकता है, छूट है। एक आपकी धारा 9 में है, धारा 9 में यहाँ पर उम्र के संबंध में है कि आपकी उम्र यहाँ पर 20 साल होनी चाहिए, ऐसा कुछ है, तो उसमें भी छूट है कि आपकी 18 वर्ष की उम्र है तो भी आप कॉमर्शियल व्हीकल के रूप में यहाँ पे ई रिक्शा चला सकते हैं। इस टाइप का उपबंध मुझे पूरा याद नहीं रहा, लेकिन जो धारा 9 है धारा 7 है ये दोनों क्या है, ई रिक्शा और ई गाड़ी पर लागू नहीं होती। ये पूरी धारा नहीं, इस धारा के जो केवल पॉइंट नंबर ये ना, धारा 9 के पॉइंट 10, धारा 7 का पॉइंट नंबर 1, ये दो चीज़ें यहाँ पर केवल लागू नहीं होती, बाकी पूरा अधिनियम लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है, वाहन चालन अनुज्ञप्ति की अवधि पूर्ण होने के 30 दिवस पश्चात भी वाहन चलाया जा सकता है, गलत हो जाएगा। आप 30 दिन पश्चात तक मतलब कि गाड़ी नहीं चला सकते, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होता है तो उसके तुरंत बाद आप गाड़ी अब नहीं चला सकते नए नियमों के अकॉर्डिंग। सहयात्री को सीट बेल्ट लगाना आवश्यक होता है, बिल्कुल ठीक है। वाणिज्यिक वाहन यानी कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल को के चालक को निर्धारित वर्दी पहनना आवश्यक है, ये भी ठीक है। वाहन का बीमा करवाना आवश्यक है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और उस गलत ही पूछा गया है। प्रश्न 39 है, माल यान के चालक की वर्दी कैसी होती है। माल यान यानी कि एक जो मतलब जो गुड्स व्हीकल होते हैं, गुड्स कैरिज होते हैं, इनका जो ड्राइवर होता है उनको एक ड्राइवर को मतलब कि ड्रेस पहननी होती है, उसकी क्या मतलब साइज होती है या क्या उसका कलर कोड वगैरह होता है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। ढक्कनदार 4 जेबों वाला खाकी बुशर्ट या कोट, खाकी पूरा पेट और खाकी टोपी या साफा होता है, पैंट होता है, ये पैंट नहीं पैंट है भाई, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना, खाकी पूरा पैंट होगा और खाकी टोपी या साफा भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यानी कलर कैसा होगा, खाकी होगा, 4 जेबें उसके ऊपर होगी है ना, और टोपी या साफा होगा। प्रश्न संख्या 40, परिवहन यान के चालक को जब वह ड्यूटी पर हो बेज प्रदर्शित करना होगा। बेज कहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है, ये मना कि आपकी छाती है, तो ये आपका लेफ्ट है, ये आपका सॉरी ये राइट है, ये लेफ्ट आपका, ये आपका चेस्ट है, तो अब यहाँ पर कौन सी जगह पर आपका जो है ये बेज प्रदर्शित होगा। तो बेज प्रदर्शित हमें कहाँ होता है, हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा लेफ्ट साइड में, तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। आप सभी को पता होगा लाइसेंस और बेज में क्या फर्क होता है, लाइसेंस तो सभी के पास होते हैं और लाइसेंस वाले व्यक्ति अच्छे बुरे हो सकते हैं, लेकिन जिसके पास में बेज होता है ना, बेज वाला ड्राइवर एक वेरीफाइड ड्राइवर होता है और एक विश्वसनीय ड्राइवर होता है और एक पेशेवर ड्राइवर होता है, तो उसके ऊपर बिलीव आसानी से किया जा सकता है बेज वाले पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेज होता है, लाइसेंस होता है, इसमें फर्क होता है थोड़ा सा। लाइसेंस केवल सभी चालकों के पास होता है, लेकिन बेज मतलब लिमिटेड लोगों के पास होता है। बेज वाला ड्राइवर एक सर्टिफाइड और एक विश्वसनीय ड्राइवर होता है, एक उसकी एक अलग पहचान होती है, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्न में से सही है, निम्न में से सही है, ऐसी परिवहन यान के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं है जो पुलिस दमकल रोगी वाहन कार्य के लिए ही उपयोग में लाया जाता है। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि ऐसे परिवहन यान जो परिवहन यान को परमिट की आवश्यकता नहीं होती जो पुलिस में काम करते हैं, दमकल में रोगी वाहन एम्बुलेंस के रूप में काम आते हैं, तो इस प्रकार के जो है वाहन इनको यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती किसकी, परमिट की। ऐसे परिवहन यान के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं है जो सरकारी प्रयोजनों के लिए काम में लाया जाता है जिनका वाणिज्यिक उद्यम में संबंध है, वाणिज्यिक उद्यम में संबंध होता है तो करना पड़ता है, गलत है। ऐसे परिवहन यान के लिए परमिट की आवश्यकता है जो शवों और शवों के साथ जाने वाले व्यक्तियों के परिवहन के लिए, शव को ढोने वाला जो मतलब कि जो मरे हुए व्यक्तियों को ढोता है ना, उनके लिए बात कर रहा है, तो उनके लिए यहाँ पे परमिट की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, आक्षेप न होने का प्रमाण पत्र, आक्षेप न होने का प्रमाण पत्र इसको अंग्रेजी में ऑफ NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं। क्या आवश्यकता कब होती है, तो आप सभी को पता होगा NOC की आवश्यकता होती है अदर स्टेट अगर ट्रांसफ़र करते हैं, अदर स्टेट RC अगर आप बनवाना चाहते हैं व्हीकल की, उस समय आपको NOC की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है, यानी कि मोटर यान को दूसरे राज्य में ले जाए जाने पर नए रजिस्ट्रीकरण चिन्ह हेतु आवेदन करने पर आपको NOC की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। NOC जो होती है फॉरम संख्या आप सभी को पता है 28 में जारी की जाती है, धारा 48 में इसका उल्लेख है वो किया गया है, वैलिडिटी इसकी 6 माह होती है, ठीक है। अगले प्रश्न पे RTO इसको जारी करता है,
अगले प्रश्न पे चलते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 134 के अंतर्गत दुर्घटना कारित करने वाले मोटर यान के चालक का कर्तव्य होता है। धारा 134 जो है एक ड्राइवर का कर्तव्य मानते हैं, यानी कि कोई भी अगर दुर्घटना हो जाती है तो उसकी सूचना आपको पुलिस स्टेशन को देनी चाहिए, साथ ही आपको घायलों की सहायता भी करनी चाहिए। तो साथ ही यहाँ पर अगर आप 134 का उल्लंघन करते हैं तो जुर्माने का भी प्रावधान है। तो आप कमेंट सेक्शन में तुरंत बताएं कि दुर्घटना से संबंधित अगर कोई अपराध होता है और ड्राइवर अपना कर्तव्य नहीं निभाता है तो कौन सी धारा के तहत जुर्माना है और कितना है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 3, निकटतम पुलिस थाने को चिन्ह विहित समय अवधि में आवश्यक सूचना देने का एक चालक का कर्तव्य होता है। और ये समय अवधि क्या होती है, 24 घंटे होती है। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको यहाँ पर उस दुर्घटना के बारे में जानकारी आपको देनी होती है। ये एक ड्राइवर का कर्तव्य है। उल्लंघन करने पर धारा 187 लागू होती है। जुर्माना कितना है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। वाहन को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाने पर एक सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, सभी को पता है यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने पर एक सेकंड में पूछा है, तो यहाँ पर 16.6 मीटर यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। ये आप गणित का प्रश्न निकाल सकते हैं। यदि आप रात्रि में अंधेरी सड़क पर अपने वाहन में यात्रा कर रहे हैं तथा विपरीत दिशा से वाहन आपकी ओर आ रहा है तो आप निम्न में से क्या करेंगे, अपने वाहन की हेडलाइट को बंद कर देंगे, जो कि आप सभी को पता गलत हो जाएगा, बंद करना नहीं है, हेडलाइट को लो बीम पर कर लेंगे, ये बात ठीक है, अपने वाहन के हॉर्न को तेज व देर तक बजाएंगे, गलत है, अपने वाहन की हेडलाइट को हाई बीम पर करेंगे, ये भी गलत है, सामने से गाड़ी आती है तो यहाँ पर अपनी हेडलाइट है गाड़ी की उसको आपको लो बीम पर करना होता है, ठीक है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 46 है, किन परिस्थितियों में मोटर वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करना अनुज्ञेय होता है, किन वाहन किन परिस्थितियों में, मतलब किन पोजीशंस में आप गाड़ी चलाते समय मोबाइल से बात कर सकते हैं। सभी को पता है मोबाइल फ़ोन का प्रयोग किसी भी परिस्थिति में ड्राइविंग करते समय नहीं किया जा सकता, तो किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता। अगर आप करते हैं धारा 184 आपके ऊपर लागू होती है और यहाँ पर 1000 से लेकर 5000 तक का जुर्माना आपके ऊपर देय होता है। प्रश्न संख्या 47 आपके सामने आ चुका है, मोटर यान अधिनियम 1988 में सड़क चिन्हों को दर्शाया गया है, कौन सी अनुसूची में, आप सभी को पता है यहाँ पर प्रथम अनुसूची में सड़क चिन्हों को दर्शाया गया है, दूसरी अनुसूची में मुआवजे से संबंधित प्रावधान यहाँ पर किया गया है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। दूसरी अनुसूची को यहाँ पर है 2019 में हटा दिया गया, अभी क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, ठीक है, 2019 में। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, चेतावनी चिन्हों में परिप्रेक्ष्य एवं किनारा क्रमशः किस रंग में होते हैं। परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है बैकग्राउंड, परिप्रेक्ष्य मतलब क्या है, बैकग्राउंड होता है, तो बैकग्राउंड कैसा होता है, यानी चेतावनी चिन्हों में चिन्ह परिप्रेक्ष्य एवं, यहाँ पर देखो चिन्ह भी है, चिन्ह किस कलर में होगा, चेतावनी चिन्ह होते हैं त्रिभुज में होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर जो संकेत बना होता है वो काले कलर में होता है, किस कलर में होता है, काले कलर में होता है। अब यह बता दो किस कलर में और क्या है, सभी को पता है चिन्ह किस कलर में है, काले में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो सकता है और सी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं परिप्रेक्ष्य यानी बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कैसा है, सफ़ेद है, लाल नहीं है ना, तो सी गलत हो गया, ये भी गलत, और इसका बॉर्डर किनारा कैसा है, लाल है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या आपके सामने 49 है, सड़क चिन्ह आवश्यक बायां मोड़ तो मतलब कि अनिवार्य ये है, तो यहाँ पर ये गोल आकृति में होगा और बायां मोड़ का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको बायां मुड़ना है, तो ये संकेत किस टाइप से होगा, तो चिन्ह का परिप्रेक्ष्य इस टाइप से पूछा है, तो यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर जो मतलब कि चिन्ह होगा वो चिन्ह होगा किस टाइप से होगा, मैं आपको बता के थोड़ा सा बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखें, ये तो आपका माना कि नहीं भी, थोड़ा सा इसको बेक करेंगे और इसका ब्लू इसका होता है, ये तो इसका ये होता है और इसके अंदर जो मतलब कि ये पूरा ही ब्लू होता है, इसके अंदर जो संकेत होगा आवश्यक बायां मोड़ का वो आपके वाइट कलर में होगा, ये किस कलर में होगा, वाइट कलर में, और ये ब्लू में होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, वाइट और नीला, ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने इस प्रश्न को जो कलर कोड है इसके माध्यम से आपको समझाने का यहाँ पर प्रयास किया है, ठीक है, समझ में आया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। सड़क चिन्ह पेट्रोल पंप में बाहरी परिप्रेक्ष्य यानी जो बाहरी आवरण है वो अंदरूनी परिप्रेक्ष्य, ये एक अंदर बॉर्डर होता है, वह चिन्ह किस रंग में होता है, जो बाहर से होता है साथ ही यहाँ पर ब्लू कलर में होता है बाहर वाला, अंदर वाला जो होता है यहाँ पर वाइट कलर में होता है, और जो चिन्ह होता है वो ब्लैक कलर में होता है, इसके अंदर जो पेट्रोल पंप होगा वो ब्लैक कलर में होगा, ठीक है, तो यहाँ पर नीला सफेद और काला, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर
हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर मैंने 50% यहाँ पर आपको करवाने का प्रयास किया है, उस सभी प्रश्नों को यहाँ पर उनका जो आंसर है कैसे निकाला जाता है उसका रीजन भी आपको बताया है। तो आपको हर प्रश्न का आंसर निकालने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी और हर प्रश्न को आपको समझ में भी आसानी से आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो इसी प्रकार से बने रहिए हमारे चैनल के साथ में और हमारे जो इस प्लेटफॉर्म के साथ में। साथियों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको स्पेशल नोट्स की रिक्वायरमेंट है, आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारा ऑनलाइन बेच है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी एट होम ऐप के ऊपर हमारा ऑनलाइन बेच चल रहा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे किसी भी ड्राइवर या ऑपरेटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टेक्निकल पार्ट है, ड्राइविंग पार्ट है, एकदम शानदार तरीके से हम आपको यहाँ पर कवर कराते हैं और बेहतरीन कंटेंट। देखो कंटेंट भी आप ऐसा एक बार ले लोगे तो आपको मजा आएगा। साथ ही मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप एक बार कोर्स को लें, एक बार कोर्स को ज्वाइन करें, कंटेंट देखें, मजा नहीं आया तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप मुझे बता देना वापस। यानी कि बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी नोट्स के रूप में, ऑनलाइन क्लासेज के रूप में, और बेहतरीन जो वीडियो सॉल्यूशन है, लाइव क्लासेज हैं। साथियों दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, ये जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है, इस कोर्स में डाउट सेशन भी होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हैं, और हर क्लास की पीडीएफ नोट्स भी आपको अवेलेबल है और वीडियो लेक्चर भी उसका आपको वहाँ पर अवेलेबल होता है। तो टॉप जो एमसीक्यूज हैं, वन लाइनर है, प्रीवियस एग्जाम पेपर है, और मोटर वाहन अधिनियम के लिए स्पेशल बुक प्रोवाइड करवाते हैं, और आपकी जो व्हीकल की थ्योरी है और ड्राइविंग पार्ट की थ्योरी है ये भी आपको साथ में वहाँ पर उनके लिए भी स्पेशल ई बुक आपको वहाँ पर प्रोवाइड होती है कोर्स के साथ में, तो उनको भी आप ज्वाइन साथियों कर सकते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।